वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं एक और आपको जगह लेके आई हूँ जर्मनी की, जो कि मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने इतने लोगों को देखा, तब मुझे लगा कि ये जगह सच में देखने लायक ही होगी, तभी इतने सारे लोग हैं। आज हम लोग हैं बाड ट्यूरा। कितना बड़ा स्ट्रगल था यार। बहुत बड़ा स्ट्रगल था, एटलीस्ट हमें आधा घंटा लग गया। और ये मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर वीकेंड्स और छुट्टी वाले दिन जो पार्किंग है वो बहुत फुल रहती है, तो वीकेंड और छुट्टी वाले दिन में यहाँ पर आना है तो पेशेंस के साथ आना जरूरी है। भला उस चोरी का जो हमें पार्किंग के साथ पार्किंग स्लिप भी दे गई शाम को पहुंच गए तक। राइट, ये देखो चारों तरफ पहाड़ है। पर ये जो जगह है ये रॉयटलिंगन डिस्ट्रिक्ट पे आता है, बॉडेन-वर्टेम्बर्ग स्टेट में, और 14 किलोमीटर दूर है रॉयटलिंगन। रॉयटलिंगन जो है वो यहाँ की सबसे पास सिटी है, और ये जो जगह है ये बहुत खूबसूरत मानी जाती है इस एरिया में। तो यहाँ पर है वाटरफॉल जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, अब बस हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और ये यार बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब कम तेजी से नहीं, बहुत बहुत तेज है यार। गर्मियों में नहाने में मजा आया, कोई भी वंडर से कम नहीं है। और जर्मनी में मैंने पहली बार ऐसा जगह देखी। और ये जो जगह है वो स्नान बात और जो थेरेपी बात है उसके लिए बहुत फेमस है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर एक और चीज देखने की है, वो तो हम जा ही रहे हैं, जो वॉटरफॉल जो आपको ऊपर दिख रहा है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो तो थोड़ी देर में दिखाएंगे। इसके अलावा एक कैसल भी है जिससे हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और हाँ, आपको बहुत सारे लोग आई थिंक हमारे वीडियोस में पहली बार दिखे होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, पर आप लोगों को नहीं पता होगा, जो यहाँ के लोकल है उन्हीं को पता है ये जगह। और जो एकदम नेक्स्ट तरफ है वो है कैसल, तो यहाँ पर भी ये भी अच्छी जगह घूमने के लिए। लेकिन
मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, मैं थोड़ा उस तरफ जाती हूँ ताकि दीपक को स्पेस मिले वीडियोग्राफी करने का। यहाँ पर लोग हर जगह, जहाँ आप देख सकते हो वहाँ लोग जो हैं वो हैं, और बगल में स्टेयर्स हैं, तो ऐसा मैं सोच रहा कि ऐसे उल्टे सीधे जो है वो रास्ते बने, बगल में स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स से लोग ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग भी अब ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर। और ये है ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स, बगल में झरना, और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगी और ऊपर जाके घंटी बजाऊंगी। आना चाहते थे सबसे ऊपर, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत आसपास से निकल रहे हैं और करोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है, तो हमें उसका भी डर लग रहा है, करोना का भी डर लग रहा है। लेकिन आप आओ तो वीकेंड पे मत आना, छुट्टी वाले दिन मत आना, उसके अलावा कोई भी दिन आना और ऊपर तक जरूर जाना। और आप जर्मनी में हो और जर्मनी आके आपने हाइकिंग नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ आना और हाइकिंग जरूर करना, क्योंकि ये जगह उसी के लिए फेमस है। ये जंगलों को देख के डरना मत, ये प्रॉपर अच्छे से वेल मेंटेन जो है वो पाथ है। और अब हम लोग जा रहे हैं हुएन और आप जो किले का नाम है, क्योंकि ये जो चढ़ाई है वो इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा तो आप थकते हो, तो पानी की बोतल जरूर साथ लेना। यहाँ के लोगों के पास एक प्रॉपर बैग होता है, उसमें वो लोग सारी चीजें रखते हैं, मतलब फ्रूट्स और पानी वगैरह, पर हमने सिर्फ पानी रखा है। दीपक कैसी चढ़ाई है? लोग जो थक गए नीचे से जा रहा है और जो ऊपर से आ रहा है उनको बोल रहे हैं कि मतलब चढ़ाई ले, चढ़ो चढ़ो। अच्छा, ब्रेक तो बनता है। वैसे तो ये ब्रेक जो है वो हमें कॉफी के लिए यूज करना चाहती थी, पर मैं बहुत जल्दी नीचे जाके कॉफी पीऊंगी। So is it worth it यहाँ आने के लिए, मतलब इतनी चढ़ाई के बाद? हाँ, it's worth it because यहाँ से पूरे जो valleys हैं, जो नीचे का नज़ारा है, एंड ये किले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जब हम नीचे देख रहे हैं आप, तो हम वहाँ पर थे और वो बहुत ही नीचे है, मतलब मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है, बट हम बहुत नीचे थे और हम चढ़ चढ़ के ही ऊपर आ गए हैं, एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग। और ऑफकोर्स ये जो किला है, इससे बहुत सारी जो है हिस्ट्री रिलेटेड चीजें हैं जर्मनी की, तो ऑब्वियसली ये वाली जगह लोग देखने आते हैं। तो मैं आपको इस कैसल के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक्चुअली एक जो कॉम्प्लेक्स था कैसल का, उसको था छोटा सा ही पार्ट बचा हुआ है। ये सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट हुआ था हिस्ट्री में 1235 में। उसके बाद इसको कई बार डैमेज किया गया, कई बार दोबारा से रिनोवेट किया गया, और ये काफ़ी लंबे समय तक जो बाडेन-वुर्टेम्बर्ग स्टेट है उसका स्टेट प्रिजन भी रहा है, जहाँ पर बहुत फेमस ट्यूबिंगन के प्रोफेसर निकोडेमस फ्रिशलिन को भी यहाँ पर कैद किया गया था कुछ लंबे समय के लिए। तो काफ़ी हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। पर इस किले के ऊपर आने के लिए आपको बाई फुट ही आना पड़ेगा, यहाँ पर आप गाड़ी से नहीं आ सकते। नीचे आपको 2.5 किलोमीटर पहले पार करना है, फिर पैदल पैदल यहाँ पर आना है। लेकिन यकीन मानिए, नज़ारे वर्थ है। तो गाइज, आज हमारा जो दिन था वो नेचर के साथ ऐसा गुजरा। ये दो जगह जो है वो आप लोग जरूर आना, इनकेस आप आसपास रहते हो, या अगर आप स्टुटगार्ट, वाइटलिंगन,
या फिर नॉर्थ या ईस्ट जर्मनी में भी रहते हो तो भी आपको ये मस्ट विजिट प्लेस है। और ऑफ कोर्स ऊपर आके अच्छा लग रहा है, एक जर्मनी के एक अलग ही मजे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पेड़ नेचर और उन सब से घिरा हुआ है, और ये जगह भी उसी का एक एग्जाम्पल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, हमारी एक कोशिश जो आपको जो जर्मनी की छोटी जगह है वो बताने की कैसी लग रही है वो जरूर कमेंट करना हम लोगों को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।